इरशाद ऑटो वर्कशॉप की तरफ से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं दोस्तों। दोस्तों आज मैं काम कर रहा था गाड़ी का, सेंट्रो का, तो इसका हमें एक दो दफ़ा कंप्लेन आई है कि जी इसका ना इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है, गाड़ी ओवरहीट होकर धुआं दे जाती है। तो हमने इसके इंजन को खोला और उसको चेक किया, तो हमें खराद वालों ने भी बताया था कि जी आप गाड़ी में चेक करें, इसमें हीटअप का कोई मसला आ रहा है। बार बार इंजन के ख़राब होने की वजह यह है कि इसमें इंजन ओवरहीट हो जाता है, लेकिन नीडल नहीं बता पाती और आप इसका इंजन को अच्छी तरह चेक करें। तो हमने इसको खोला था और अभी हमने इसको चेक किया है। इंजन ख़राब से तैयार होकर हमारे पास आ गया था और हम इसको धो रहे थे और वॉश कर रहे थे, और उसमें हमें जो है इसका एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट फॉल्ट मिला है, जो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ, जो मैकेनिक भाई हैं, उनके साथ शेयर कर दूँ, ताकि हमारे मुल्क का पैसा और कस्टमर का जो वक्त है उसको भी बचाया जाए, और आपकी जो एज ए मैकेनिक एक गुडविल है वो भी अपनी जगह पे बरकरार रहे और बेहतर हो, बेहतरी की तरफ। तो आए आपसे शेयर करते हैं। जी बिस्मिल्लाह दोस्तों, ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ आपको नज़र आ गया होगा, जो मैकेनिक दोस्त हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा। ये टिक्की पड़ी है जी ब्लॉक की, ये मेरे वो औज़ार पड़े हैं जिनसे मैंने उसको काट के और बाहर निकाला है। ये आप देख सकते हैं, बाहर से देखने में ये बिल्कुल न्यू थी, ठीक है जी। और जब हम इसको वॉश कर रहे थे ब्लॉक को, तो मैं इसका ये मेन होल है पाइप, होज पाइप का, यहाँ से जब पानी डालता था तो आधे जो एक साइड है वो पानी पूरा चल रहा था और ऊपर वाली साइड जो है वहाँ पानी नहीं आ रहा था, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ रहा है, ये सारे पानी के सुराख भर के पानी बाहर गिर रहा था और ये ऊपर वाले सुराखों में पानी ना होने के बराबर था। तो जब मैं इसको सब सुराख जो नीचे वाले हैं इसको बंद करता था तो भी पानी इधर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं, जैसे ये हॉल है, ठीक है जी, आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, ये हॉल इस साइड पर किसी भी हॉल में पानी डालता था, प्रेशर से पाइप लगाते थे हम लोग, तो ये ऊपर वाली सारी साइड चालू हो जाती थी, नीचे कोई पानी का इतना ज़्यादा जो सोर्स होता है वो नहीं हो रहा था, ठीक है जी। उसके लिए फिर हमने इसको ये किया है कि मैंने ये जो बैक एंड पे इसके ब्लॉक के, पहले इसको सारे को देखा है मैंने ब्लॉक को, और फिर मैंने अंदाज़ा किया है जी कि ये जो बैक वाला सर्किट है यहाँ से पानी इस तरह गुजरना चाहिए, फ्रंट पर तो कोई जगह नहीं बन रही तो यहाँ से गुजर नहीं रहा। तो जैसे ही मैंने ये कप उतारा है, इसकी टिक्की जो है ब्लॉक की बैक वाली, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कचरा और कार्बन और ये लाइन सारी बंद थी, ठीक है जी। तो ये मैंने उसको आपको नीचे उतारा है, फिर मैंने इसको ये देखें ज़रा कार्बन कुछ आपको नज़र भी आ रहा होगा, कुछ मैंने वॉशिंग के दौरान वहाँ गिरा दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको यहाँ से हाथ रखते हैं और जैसे ही वहाँ पाइप लगाते हैं और ब्लॉक के सारे सुराखों में एक जैसा प्रेशर से पानी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप खासूसन सेंट्रो हुंडई का इंजन ओवरऑल करें तो कम अज़ कम ये एक कप, असूलन तो सारे कप खोलने चाहिए और नए लगाने चाहिए, तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं जी कि बस वो जो कप लीक होगा हम उसको ठीक कर लेंगे, बस नया लगा देंगे, और खोल के इनकी सफाई नहीं होती पानी वाला जो सेक्शन है उसमें से। तो अभी भी ये कुछ कप जो हैं ये हम मैजिक वगैरह लगी हुई हैं, ये भी अभी खोलेंगे और नए लगाएँगे सारे। तो आप भी दोस्तों ये किया करेंगे, इसकी जो टिक्कियाँ हैं पानी वाले कप जो होते हैं लगे होते हैं ब्लॉक सिलेंडर के अंदर, उनको अच्छी तरह खोलें, वॉश करें और चेक कर लें कि अंदर कचरा या कार्बन तो नहीं है, जिसकी वजह से पानी की सर्कुलेशन पूरे ब्लॉक में नहीं होगी तो इंजन ओवरहीट रहेगा। ओवरहीट रहेगा तो आपके रिंग पिस्टन की जो उम्र है वो कम रहेगी। तो सोचा ये फॉल्ट अभी हमने क्लियर किया, तो आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। जज़ाकुम अल्लाह जी। ये सेंट्रो हुंडई का ब्लॉक असेंबली है, ठीक है जी। तो आप भी काम करते हुए कोशिश करें कि अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजेंगे। तो आप सब दोस्तों के तावन का बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक चैनल को, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्तों। आपके लाइक और शेयर करने की हौसला अफज़ाई की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है और हम मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकुम अल्लाह फ़ी अमानुल्लाह।